एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा? इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। वो कह रहे हैं कि जो रहमान की एज है बेटा, 3 साल पहले जो भी उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो। तो वो पहले कर दो, और फिर कह रहे हैं 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जो भी उसकी एज होगी उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, और जो दोनों का रेसिप्रोकल आया ना उसका सम कर दो। तो जब आप सम करोगे ना तो वो 1/3 आएगा, वो 1/3 आएगा। समझो ध्यान से, लेट्स से आज प्रेजेंट डे है, आज प्रेजेंट डे है, रहमान की जो भी एज होगी, कह रहे रहमान की 3 इयर्स पहले की, 3 इयर्स एगो की जो एज है, जो भी एज होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। और 5 साल बाद, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद जो भी उसकी एज होगी उसको क्या कर दो, उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, और फिर दोनों को प्लस कर दो, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब क्या है इसकी प्रेजेंट एज, वो तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं प्रेजेंट एज को क्या मानूंगा, एक्स, तो उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा यहां से और फिर सॉल्व करते हैं इसको। सो देखो इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें मैं लेट लिखूंगा, लेट रहमान्स एज बी एक्स ईयर्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो रहमान की एज है बेटा वो कितने साल की है, वो एक्स ईयर्स की है। अब आप खुद सोचो, 3 इयर्स बिफोर या एगो भी बोल सकते हो, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी? अगर आज रहमान एक्स ईयर्स का है तो 3 साल पहले वो एक्स माइनस 3 इयर्स का होगा, 3 साल पहले वो x माइनस 3 इयर्स का होगा। मैंने पहले भी बेटा आपको बताया था कि मान लो आज आप 15 इयर्स के हो तो 3 साल पहले कितने के थे, 15 माइनस 3 इयर्स के यानी कि 12 साल के। तो अगर आज ये x साल x ईयर का है तो 3 साल पहले कितने का हो जाएगा, x माइनस 3 इयर्स का। तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं 3 इयर्स, तो ये वाला तो हो गया 5 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब ये फ्यूचर में इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 इयर्स। ऑब्वियसली अगेन वही चीज, अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 इयर्स बाद कितने के हो जाओगे बेटा, 15 प्लस 5 20 इयर्स के। तो आज अगर आप x ईयर के हो तो 5 ईयर बाद कितने के हो जाओगे, x प्लस 5 इयर्स के। तो ये x प्लस 5 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो वो कह रहा है इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में कर दो। तो ये न्यूमरेटर में है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये x माइनस 3। सेम चीज ये न्यूमरेटर में बेटा, इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस 5 और इक्वल्स में आ जाएगा 1/3। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब यहां से आपसे मांग कह रहा है, कह रहा है कि रहमान की एज बता दो कितनी है। रहमान की बेटा जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब कि x, कह रहा है x निकाल दो। तो अभी तो बेटा मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखाया है, अभी जस्ट हमने सीखा है इसको सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना, देखो मैंने आपको अभी बताया कि जब इस तरीके से चीजें आती है तो क्या करो, क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल में चल रहे हैं, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो यानी कि x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5 से और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5 से और प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 3 से। ये वाला इससे होता है, ये वाला इससे होता है और इक्वल टू में 1/3 चल रहा है। अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो बेटा सेम ही आता है x प्लस 5, और प्लस x माइनस 3 भी सेम ही आएगा क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, x को x से करूँगा x स्क्वायर आएगा, फिर x को 5 से करूँगा 5x आएगा, फिर माइनस 3 को x से करूँगा माइनस 3x आएगा, और माइनस 3 को 5 से करूँगा माइनस 15 आएगा और इक्वल टू में 1/3 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x और x प्लस होके 2x हो जाएगा और 5 और माइनस 3 सॉल्व होके बेटा प्लस 2 आएगा और अपॉन में x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 5x में से 3x माइनस होके प्लस 2x आएगा और माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 ही रहेगा और इक्वल्स टू इस 2x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 को, 2x प्लस 2 को. अब क्या होगा बेटा आगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. अब ये 3 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी होगा, तो 2x से मल्टीप्लाई होके आएगा 6x और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा 6. अब इन सबको बेटा हम कहां पे शिफ्ट कर देंगे, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. तो x square plus 2x, ये 6x plus का right में आके minus का 6x हो जाएगा और minus 15, ये 6 plus का right में आके minus 6 हो जाएगा और equal to में रहेगा 0. अब आप इसको solve करो बेटा, तो x square वैसे ही रहेगा, 2x में से 6x गया बेटा minus 4x और minus 15 minus 6x आएगा minus 21 equal to 0. minus 21 क्यों आएगा बेटा, क्योंकि minus minus क्या होता है, plus. तो 15 में 6 plus करोगे तो 21 आएगा, लेकिन minus का ही आएगा. अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई. अब यहां से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है. तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा बेटा, वो आप लोग घर पे करना, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं. ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी माइनस 4 और सी की वैल्यू आएगी माइनस 21. अब आप फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो. फॉर्मूला क्या है, पहले आपको डी निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से और फिर आपको एक्स निकालना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2ac. ये मैंने आपको पहले भी बेटा समझाया है, आप वहां से भी समझ के कर सकते हो.